हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। आज का मेरा प्रोजेक्ट DIY पे है। DIY थीम है फ्लोर कैंडल होल्डर। और आपने देखे होंगे अमेज़ॉन या मॉल्स में, और आजकल थीम में भी है, और कितने महंगे आते हैं, 1000-2000 से स्टार्टिंग है उसकी। बट मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है बजट में, आप भी देखेंगे दंग हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, इसको आप अपने घर में अप्लाई कीजिए। अब तो फेस्टिवल आ रहा है दिवाली, उसमें आप अप्लाई करिए, देखिए आपका एक एक कॉर्नर, एक एक स्पेस जगमगा उठेगा। मैं उसका एग्जांपल दिखाती हूँ, दिखाऊँ? टाडा! अरे नहीं नहीं, परेशान मत होइए, ये एक छोटा सा ग्लास है, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसके अंदर हम कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, ग्लास रिफ्लेक्ट होकर लाइट चारों तरफ जाती है तो रोशनी होती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ये जार्स, बिग जार्स, 1, 2 and 3। अब आप इसको बर्नी बोलिए, अचारी बोलिए, या फिर ग्लास जार बोलिए। तो इसके मैं कैंडल होल्डर्स बनाऊंगी, आज बताऊंगी मैं आपको। पहले मैं इनके प्राइसेस बता देती हूँ। ये है 200 का, ये है 100 rupees का, और ये है 80 rupees का। तो कितना टोटल हुआ, 380 में आपका एक फ्लोर कैंडल होल्डर तैयार हो जाएगा। और मेरा विश्वास कीजिए कि इतना सुंदर लगेगा कि आप चाहेंगे कि हर कोने में इसको रखें और अपने घर को रोशन करें। तो देखते हैं, चलिए बनाते हैं साथ में, ठीक है? किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मैं रेडीमेड सुतली की लेस यूज़ कर रही हूँ, ये आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगी। स्टोन यूज़ कर रही हूँ, ये नर्सरी की शॉप में इजली मिल जाएगी। ये मैं बीच पे घूमने गई थी तो ये वहाँ से पिक करके लाई। देखिए इसमें कितना नेचुरल टेक्सचर है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में कुछ नेचुरल चीज़ों को ऐड करूँ, और मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ उठा के लेके आती हूँ, चाहे वो स्टोन हो चाहे ये शेल्स हो। अमेजिंग है ये शेल्स हैं, ये मैं आर्ट एंड क्राफ्ट या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, या आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं सुतली यूज़ कर रही हूँ, और ये कैंडल, बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो चलिए अब कैंडल होल्डर बनाना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे लेस ली है जो कि मैंने इसके बराबर काट लिया है, और अब मैं इसको हॉट ग्लू की सहायता से चिपकाऊंगी। ये हॉट ग्लू आपको लोकल और ऑनलाइन दोनों जगह ही मिल जाएगी। मैं ज़्यादा तो अपने DIY हॉट ग्लू के साथ ही करती हूँ, इससे जल्दी काम होता है। तो इस तरह से मैं इसको ग्लास जार के चारों तरफ लगा दूंगी। एक ऑप्शन और है, आप लेस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो नॉर्मल सुतली होती है उसको भी लपेट सकते हैं, बट मेरे पास ये लेस रखी हुई थी तो मैं ये लेस लगा रही हूँ। इसके भी ऑप्शन आपको लोकल शॉप में बहुत मिलेंगे, तो जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं चारों तरफ इसको लगा दूंगी। ये देखिए, अब मैंने इस लेस को चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पे आपको एक जॉइंट दिख रहा होगा जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसको हॉट ग्लू की सहायता से इसके ऊपर मैं एक शेल लगा दूंगी। उससे क्या होगा, एक तो ये जॉइंट भी छुप जाएगा और मेरा कैंडल होल्डर भी खूबसूरत लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक शेल लगा रही हूँ, ये देखिए। अब आपको कहीं दिख रहा है वो जॉइंट? नहीं ना, छुप भी गया और देखिए खूबसूरत भी लग रहा है। पर यहाँ पे मैं एक ही शेल नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि वो थोड़ा अजीब लगेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, और शेल्स लूँगी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको लगाऊँगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो सुतली है इसको हम ऊपर की तरफ
जो जार का हिस्सा है वहां पे लगाएंगे और चारों तरफ लपेट देंगे अच्छे से, जिससे वो जगह कवर भी कर दे और अच्छा भी लगे। इस तरह से मैं लपेट के अब मैं सुतली का एक और टुकड़ा लूंगी, उसको मैं ऊपर की तरफ बांधूंगी और थोड़ा सा छोटा करके, और इस तरह से मैं इसको मोड़ के मैं क्या करूंगी, इसको एक शेल के अंदर अच्छे से दबा के डाल दूंगी। अच्छे से दबाना है, अंदर चला जाए अच्छे से ये, और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं हॉट ग्लू को भर दूंगी। वो इसलिए क्योंकि वो अच्छे से चिपक जाए और गिरे ना। अब इस तरह से मैंने इसको चिपका दूंगी मैं बस, और देखिएगा कितना सुंदर लगेगा ये। इस तरह से ग्लू लगा के ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ पे मेरे तीनों जार रेडी हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ये स्टोन ऐड करूँगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें मैं स्टोन ऐड करूँगी तो ये और खूबसूरत लगेगा। मैं चारों तरफ धीरे धीरे सारे स्टोन्स भर दूंगी इसके अंदर। मैं यहाँ पे तीनों जार में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन यूज़ करूँगी, जिससे वो देखने में अच्छे लगे, और इस तरह से मैं भर दूंगी इसमें। और इसमें कुछ मैं शेल्स भी ऐड करूंगी तो वो और खूबसूरत लगेंगे, तो जब मैं कैंडल्स में जलाऊंगी तो वो और दिखेंगे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो सुंदर लगेंगे। इस तरह से मेरे तीनों जार्स रेडी हैं, तीनों में डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं, और इस तरह से ये देखिए फाइनल लुक। चलिए अब कैंडल्स को जला के देखते हैं कि ये फ्लोर कैंडल होल्डर्स कैसे लगते हैं। वाओ, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको कैसे लगे आप बताइएगा कमेंट करके। दिवाली आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, बनाइए आप भी अपने घर को, सजाइए, बजट में है, बस इस तरह से आप अपने घर को सजाइए और रोशन कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।